नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पुरानी पेंशन बहाली ब्लॉक संगठन और राज्य शिक्षक संघ शाखा खैलांजी के संयुक्त प्रयास और तत्वाधान में बुधवार 22 जुलाई 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार सतीश चौधरी को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की गई। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन और सेवा के दौरान मृतक शासकीय सेवक के आश्रित सदस्यों को मिलने वाली परिवार पेंशन योजना बंद कर दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में एनपीएस योजना में मिलने वाली 500 रुपए से 1000 रुपए पेंशन से बुढ़ापे में जीवन यापन करना असंभव हो जाता है। सभी ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को पूर्व की भांति पुरानी पेंशन बहाल कराए जाने और राज्य में किसी भी मृतक शासकीय सेवकों के परिवार को केंद्र के समान परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने की मांग रखी गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान पुरानी पेंशन बहाली संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश रहंगडाले, राज्य शिक्षक संघ शाखा खैलांजी के अध्यक्ष लोकराम जैतवार, उपाध्यक्ष विभूति सहारे, अनिल महुले, रंजीत बिसेन, राजकुमार मेश्राम, संजय मेश्राम, चंद्रकिशोर मेश्राम, राजकुमार छिपेकर, दिनेश नगपुरे, बीआरसी चित्ररेखा रंगारे, अनिल चौधरी, दिलीप बनवारे और अन्य अध्यापक गण उपस्थित रहे। आज हमने माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा जिसमें हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन चाहिए हमें। हमें एनपीएस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन ही हमारी मूलभूत आवश्यकता है और हमें संविधान से इसका अधिकार भी प्राप्त है, तो इसलिए हमें यही चाहिए पुरानी पेंशन। महोदय को जी क्या मांग है? जी हमारी जो मांग है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज हम लोगों ने जो है तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमने पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी है। शासन से हम ये अपेक्षा है कि हम लोग जो है नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में हमें जो रखा गया है, जो निहायत हमारा इसमें शोषण हो रहा है, हमारी वृद्धावस्था का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है। शासन के द्वारा हमें बिल्कुल एक तरह से वृद्धावस्था में पंगु बनाने का एक